हेलो दोस्तों, टर्की में हाल ही में जो अर्थक्वेक आया है उससे हम सभी लोग वाकिफ हैं और हमारी दुआ उन सभी लोगों के साथ है जो अभी भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं। हालांकि कई लोगों ने तो अपनी जान भी गंवा दी है और कई लोग अभी भी इस चीज़ से लड़ रहे हैं। इन सभी चीज़ों के दौरान एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई है जिसके पीछे का एक्चुअल रीज़न अभी तक नहीं पता चला है। सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई ये वीडियो बहुत फेमस हो रही है जिसमें कई सारे पक्षी बहुत ज़ोर से चहचहा रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर आनंद महेंद्र जी ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है। न्यूज़ में ऐसा भी दिखाया जा रहा है कि कहीं जगह डॉग्स हाउल कर रहे हैं काफ़ी अजीब तरीके से। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? लोग तो इसे नीचे के अलार्म का नाम दे रहे हैं। जी हाँ, साइंटिस्ट का मानना है कि जानवर पक्षी उन रेडियो वेव्स का पता लगा सकते हैं जिसका लगाना नॉर्मल इंसान के लिए नामुमकिन है। सेस्मिक डिस्टर्बेंस की वजह से दो तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, प्राइमरी वेव जिसे हम पी वेव्स कहते हैं, सेकेंडरी वेव जिसे हम एस वेव्स कहते हैं। ह्यूमंस को पी वेव्स का महसूस नहीं होता है बल्कि जानवरों को इसका पता लग जाता है जिससे वह बहुत ज़ोर से शोर मचाने लगते हैं। पक्षी जो कि आसमान में रहते हैं वह इन वेव्स को बहुत जल्दी ही महसूस कर लेते हैं। ये सिर्फ अभी के अर्थक्वेक में नहीं हुआ है, ऐसे पहले भी हुआ है जिसकी वजह से पहले भी जानवरों में टैग लगा के उनके बिहेवियर को नोटिस किया गया है जिसमें यह पाया गया है कि इनके बिहेवियर में अर्थक्वेक आने से पहले ही चेंज आ जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें अलग अलग साइट से मिली है जिसको हमने गवर्नमेंट साइट्स में जाके कंफर्म भी किया है। इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन विद 100% श्योरिटी अभी तक कोई नहीं बता पाया है। ये पक्षी जानवर हमें हर उस तरीके से अलर्ट करने की कोशिश करते हैं जिनसे वह कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बस हम आपको यही याद दिलाना चाहते हैं कि नेचर हमें हर उस तरीके से अलर्ट करना चाहता है, बस हमें इसको पढ़ना और समझना होगा और नेचर के साथ छेड़छाड़ करना बंद करना होगा। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आसपास के जानवर पक्षियों का ध्यान रखें। धन्यवाद।